सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं कि दोस्तों आप भी आपके मैसेज पर रिंगटोन कैसे बदल सकते हो या लगा सकते हो। जैसे ही दोस्तों ये अपना SMS है, तो यहाँ पर हम अपनी जैसी मनपसंद वैसी टोन कहाँ से लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आ जाना है आपके मोबाइल में की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है, फिर आपको चले जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन में। इस पर जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इसका फीचर देखने को मिलेगा। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर इसके फीचर को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम कर लेना है नोटिफिकेशन वाले आइकन पर क्लिक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले आइकन पर कर लेना होगा क्लिक, और दोस्तों आपको यहाँ से रिंगटोन्स वाले आइकन पर सिलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप मिनिमम से मिनिमम रिंगटोन यहाँ से आप अगर आपकी कोई पसंदीदा लगाना चाहते हो तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपके किसी भी फोल्डर से आप चॉइस कर सकते हो। अन्यथा दोस्तों यहाँ से आपको हम दूसरी वाली सेट करके बताएंगे। जैसे ही दोस्तों उसके बाद तो दोस्तों इसको ये वाली हमें पसंद आई है, तो इसको हम कर लेते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या कर लेना होगा, टेक्स्ट मैसेज पर करके क्लिक यहाँ पर आपको अप्लाइड सक्सेसफुल पर कर देना है। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाना है, फिर यहाँ से आप दोस्तों जो चाहो वो आपके सेट हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से आप भी आपके टेक्स्ट मैसेज पर जैसी चाहो वैसी रिंगटोन लगा सकते हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।